हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन अ शॉर्ट टाइम, जहां आप इंग्लिश कम वक्त में आसानी से सीख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इन्फिनेटिव, जेरंड और इट को। जनरली किसी भी सेंटेंस में हम देखते हैं कि कोई सब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। जैसे अगर हम बोलें मोहन अंग्रेजी बोलता है, मोहन स्पीक्स इंग्लिश, यहाँ मोहन सब्जेक्ट हो गया और यह नाउन भी हो गया। प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे अगर हम ऐसा बोलें यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, यहाँ पे सेंटेंस में यू जो है ये प्रोनाउन हो गया। लेकिन कभी कभी कुछ सेंटेंसेज में वर्ब जो है वो एज ए सब्जेक्ट आता है, और आज उसी की चर्चा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप आखिर तक देखें, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर दें ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो देखें, सबसे पहले इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव क्या है? किसी भी वर्ब के पहले जब हम टू ऐड कर देते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। नेक्स्ट देखें जेरंड। जेरंड भी बहुत सिंपल है, किसी वर्ब में आई एन जी लगा देने से वो जेरंड बन जाता है। और कभी कभी किसी सेंटेंस में हम इट लगा करके भी एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो आज देखें, आज उस सेंटेंसेस की चर्चा होगी जहाँ पर वर्ब एज ए सब्जेक्ट आता है नाउन बन करके। जैसे एग्जाम्पल देखें, अंग्रेजी सीखना महत्वपूर्ण है। अब इस एग्जाम्पल में किसी आदमी का नाम नहीं आया, सिर्फ डायरेक्ट क्या है, अंग्रेजी सीखना महत्वपूर्ण है। अब इसको हम तीन तरह से बना सकते हैं। अगर हम इन्फिनेटिव से बनाएंगे तो सेंटेंस में पहले टू ऐड करना होगा। जैसे देखें, टू लर्न इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट। अब इसको अगर हम जेरंड से बनाएंगे तो वर्ब में आई एन जी ऐड करना होगा। जैसे देखें, लर्निंग इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट। या अगर हम इट से बनाएंगे इस तरह के सेंटेंस को तो क्या हो जाएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश। तीनों की हिंदी, अंग्रेजी सीखना महत्वपूर्ण है होगी। अब इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं ताकि आप इस तरह के सेंटेंसेस को आसानी से बना सकें। आप गौर से देखें, सबसे पहले इन्फिनेटिव की चर्चा करते हैं जब वर्ब में हम टू लगा करके एज ए सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो देखें स्ट्रक्चर क्या होगा, टू, इसके बाद V1, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखें, टू वॉच क्रिकेट मैच इज इंटरेस्टिंग, हिंदी क्या होगी, क्रिकेट मैच देखना रोमांचक है, दिलचस्प है। अब इसको स्ट्रक्चर से हम टैली कर लेते हैं। देखिए, टू आ गया यहाँ पे, वॉच वर्ब हो गया, क्रिकेट मैच ऑब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव। इस सेंटेंस को अगर स्कैन किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू वॉच मतलब देखना, क्या देखना, क्रिकेट मैच, इज है इंटरेस्टिंग, रोमांचक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जेरंड से, वर्ब में आई एन जी यूज होगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, V4 मीन्स वर्ब में आई एन जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखें, उसी सेंटेंस को जेरंड से बनाया गया है जिसका आपने हिंदी अभी सुना, वॉचिंग क्रिकेट मैच इज इंटरेस्टिंग, क्रिकेट मैच देखना इंटरेस्टिंग है। देखिए, वॉचिंग देखना, क्या देखना, क्रिकेट मैच, इज इंटरेस्टिंग, रोमांचक है। अब इसको इट से बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इट, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव, टू, V1 और ऑब्जेक्ट। जनरली टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। एग्जाम्पल देखें, इट इज इंटरेस्टिंग टू वॉच क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच देखना रोमांचक है। अब इसको आप देखें, इट पहले आ गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव हो गया, टू आ गया, वॉच V1, क्रिकेट मैच ऑब्जेक्ट हो गया। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब सारे एग्जांपल्स को आपने अभी तीनों रूल अलग अलग पढ़ा, इस तीनों रूल को आप याद कर लेंगे और उस तीनों रूल को आप किसी कॉपी में लिख लेंगे। और अब ये सारे एग्जाम्पल्स जो दिए जा रहे हैं वो इन्फिनेटिव, जेरंड या इट से होंगे, आप उसको टैली करते रहें। तो पहला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, अंग्रेजी बोलना आसान है। इन्फिनेटिव से कैसे बनेगा, टू स्पीक इंग्लिश इज ईजी, टू स्पीक बोलना, क्या बोलना, इंग्लिश, इज ईजी, आसान है। देखें, स्पीकिंग इंग्लिश इज ईजी या इट इज़ ईजी टू स्पीक इंग्लिश, इस तरीके से। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, COVID-19 चल रहा है उसके एग्जाम्पल देखते हैं। COVID-19 से बचने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना अति आवश्यक है। अब इंग्लिश क्या हो जाएगी, टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग इज एसेंशियल टू अवॉइड COVID-19। अब ध्यान दें, एसेंशियल मीन्स अति आवश्यक, बहुत ज़रूरी, लाजमी। तो अगर इसको स्कैन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, टू मेंटेन बनाए रखना, क्या बनाए रखना, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, इज एसेंशियल, अति आवश्यक है, किस लिए है, टू अवॉइड, बचने के लिए COVID-19 से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, अगर इसको हम जेरंड से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग इज एसेंशियल टू अवॉइड COVID-19। अब इसको अगर हम इट से भी बना सकते हैं तो क्या हो जाएगा, इट इज एसेंशियल, अति आवश्यक है, क्या है, टू मेंटेन, बनाए रखना, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, टू अवॉइड COVID-19 से बचने के लिए। इस तरीके से एक एग्जाम्पल ये भी देखें,
असहाय की सहायता करना सबसे अच्छी पूजा है। उर्दू क्या हो जाएगा, मजबूरों की मदद करना सबसे अच्छी इबादत है। इसकी इंग्लिश देखें, टू इन्फिनेटिव से कैसे बन रहा है, टू हेल्प द हेल्पलेस इज द बेस्ट प्रेयर। अब इसको हम जेरंड से ही बना सकते हैं, आई एन जी वर्ब में लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग द हेल्पलेस इज द बेस्ट प्रेयर। स्कैन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग द हेल्पलेस, असहाय की सहायता करना इज है, क्या है, द बेस्ट प्रेयर, सबसे अच्छी पूजा। अब इसको इट से ही बना सकते हैं तो क्या हो जाएगा, इट इज द बेस्ट प्रेयर, ये सबसे अच्छी इबादत है, क्या है, टू हेल्प मदद करना सहायता करना, द हेल्पलेस असहाय की मजबूरों की। अब देखें कभी कभी सेंटेंसेस बड़े हो जाते हैं, अगर ऐसा कहा जाए, ऐसा कहना आसान है लेकिन ऐसा करना कठिन है। अब इंग्लिश क्या हो जाएगी इन्फिनेटिव से, टू से सो इज ईजी, ऐसा कहना आसान है बट, लेकिन टू डू सो, ऐसा करना इज डिफिकल्ट, कठिन है, दुश्वार है। देखें जेरंड से कैसे बनेगा, सेइंग सो इज ईजी, ऐसा कहना आसान है बट, लेकिन डूइंग सो, ऐसा करना इज डिफिकल्ट, कठिन है। इट से कैसे बनेगा, इट इज ईजी टू से सो, ऐसा कहना आसान है बट, लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू डू सो, ऐसा करना कठिन है, दुश्वार है, सख्त है। नेक्स्ट देखें, अफवाह फैलाना अपराध है, हमें यह जानना चाहिए। तो इसी इंग्लिश देखें इन्फिनेटिव से कैसे बनेगी, टू स्प्रेड र्यूमर, अफवाह फैलाना इज है, क्या है, ए क्राइम, अपराध। अब देखें जेरंड से, स्प्रेडिंग र्यूमर, अफवाह फैलाना इज अ क्राइम, अपराध है। नेक्स्ट इट से कैसे बनेगा, इट इज अ क्राइम टू स्प्रेड र्यूमर, अपराध है, क्या अपराध है, टू स्प्रेड, फैलाना किस चीज़ को, र्यूमर, अफवाह को। अब देखें अभी जो भी सेंटेंसेस की चर्चा की गई, ये जनरली ये प्रेजेंट टेंस में थे, इसका पास्ट और फ्यूचर बनाना बहुत ईजी है, हेल्पिंग वर्ब इज को वाज कर दें या विल कर दें, इस तरीके से हम पास्ट और फ्यूचर में ही बना सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, देखें टू टेल अ लाई इज अ सिन, हिंदी क्या हो जाएगी, झूठ बोलना पाप है, गुनाह है। अब ये इज इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट टेंस, इज मींस है। अब इस इज को हम वाज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टू टेल ए लाई वाज अ सिन, झूठ बोलना गुनाह था, पाप था। अब इस इज को हम विल बी कर देंगे, विल बी मींस होगा, तो ये फ्यूचर इंडिकेट करेगा, तो क्या हो जाएगा, टू टेल अ लाई विल बी अ सिन, झूठ बोलना गुनाह होगा। पता क्या चला, एक मॉरल लेसन हमें मिल रहा है कि झूठ बोलना गुनाह है, गुनाह था और गुनाह होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको अगर हम जेरंड से बनाएं तो क्या हो जाएगा, टेलिंग अ लाई इज अ सिन, या टेलिंग अ लाई वाज अ सिन, या टेलिंग अ लाई विल बी अ सिन, हिंदी वही होगी। अब इसको इट से भी हम बना सकते हैं तो क्या हो जाएगा, इट इज अ सिन, गुनाह है, क्या गुनाह है, टू टेल अ लाई, झूठ बोलना। इट वाज पास्ट में इज को वाज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इट वाज अ सिन, गुनाह था, टू टेल अ लाई, झूठ बोलना। अब फ्यूचर में इज क्या हो जाएगा, विल बी, तो इट विल बी हिंदी क्या होगी, होगा, क्या होगा, अ सिन, गुनाह, पाप, टू टेल अ लाई, झूठ बोलना। अब अगर नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट ऐड कर सकते हैं तो एग्जांपल देखें, नफरत फैलाना अच्छा नहीं है, देखें टू स्प्रेड हेट्रेड, नफरत फैलाना इज नॉट, नहीं है, क्या नहीं है, गुड, अच्छा। देखें इसको हम जेरंड से ही बना सकते हैं, स्प्रेडिंग हेट्रेड इज नॉट गुड। नेक्स्ट देखें इट से ही बन सकता है, इट इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है, क्या अच्छा नहीं है, टू स्प्रेड, फैलाना किस चीज़ को, हेट्रेड। देखें अंग्रेजी बोलना कठिन नहीं है, ये फैक्ट भी है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, देखें इन्फिनेटिव से, टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना इज नॉट, नहीं है, क्या नहीं है, हार्ड, कठिन। अब देखें जेरंड से, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट हार्ड, इट से क्या बनेगा, इट इज नॉट हार्ड मींस कठिन नहीं है, सख्त नहीं है, क्या नहीं है, टू स्पीक, बोलना, क्या नहीं बोलना, इंग्लिश। तो मुझे लगता है आज इन्फिनेटिव, जेरंड और इट को आपने प्रॉपरली और क्लियरली समझ लिया होगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग इंग्लिश फॉर योर नाइस एंड ब्राइट फ्यूचर।